सब हो चुका है, अब बस निकलने की पूरी तैयारी है और रास्ता मैपिंग कर दिया है, तो देखते हैं। मैप में बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होते हैं, तो गूगल पे डिपेंड होके भी नहीं चलना है क्योंकि रास्ता पता होना चाहिए। तो मेन चीज़ यही है कि रास्ते पे फोकस रखना है, क्योंकि गूगल हमेशा सही नहीं होता हर बार, क्योंकि हमें कुछ इंसिडेंट पहले के याद हैं, तो इसलिए। तो अभी यहाँ से पहले निकलेंगे गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद से पकड़ेंगे हाईवे, और फिर हाईवे से तो आपको पता ही है, बाकी डेस्टिनेशन पे आपको फिर दिखाते हैं। साठ किलोमीटर यहाँ से नैनीताल रह गए और ये अभी हम बाजपुर के पास हैं, तो जस्ट वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक टी ब्रेक लेते हैं, चाय पियेंगे, फ्रेश होएंगे और उसके बाद फिर चल देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से डेढ़ घंटे का रास्ता और है, तो डेढ़ घंटे के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आइए चलिए, तब तक चाय शाय पीते हैं। तो ऐसे कैसे तैसे हम यहाँ पहुँच गए, अभी रूम ले लिया है। अभी प्लानिंग बस ये है कि बहुत 10 घंटों की ड्राइव करने के बाद, 10 घंटे की ड्राइव करने के बाद अब नींद बहुत तेज आ रही है, तो अब प्लानिंग है कि बस जाएंगे, कार को पार्किंग में लगाएंगे, क्योंकि मॉल रोड पे यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पार्किंग नहीं पार्क कर सकते अपनी कार को। तो अभी पार्किंग में जाएंगे, पार्किंग में खड़ी करेंगे, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आके थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक शॉप पे गए, उसमें सारी बाइकों के उसके परमिट खत्म हो गए, तो मना कर दिया उसने। नो प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो अभी देखेंगे कौन सा बेस्ट है। और बाइक वैसे तो हिमालयन अच्छी है, बट यू नो द कॉस्ट इज टू मच, प्राइस इज टू हाई फॉर हिमालयन, सो वी आर प्लानिंग टू रेंट एवेंजर, टू हायर एवेंजर for 2 days, because where we are going? Munsiyari का तो अभी जो बताया है, क्लाइमेट बहुत अलग है Munsiyari का, तो Munsiyari के क्लाइमेट को enjoy करना बिल्कुल बनता है, और don't miss the Munsiyari, और हम आपको बिल्कुल अपडेट देते रहेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, thank you.
तो ये प्रोग्राम जो है ये शाम तक चलता रहेगा, 8 बजे तक ऐसे ही, सॉरी 7 o'clock तक। तो 7 बजे तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, लोग फन करते रहेंगे। ठंडे ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाने का जो मज़ा है, हाँ हाँ मज़ा है, वो आप दिल्ली में बैठ के नहीं समझ सकते, या राजस्थान में या फिर किसी भी बड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उसमें नहीं समझ सकते। आप तो ऐसे फ्रेश नेचर में आके वेलकम बैक टू यू ऑन माई चैनल। तो अभी मैं और आयुष निकले हैं अभी बाहर। तो आयुष यानी कि आप जानते हो एबी नौटंकी, तो मैं और आयुष अभी निकले हैं बाहर नाइट राइड करने के लिए। तो हम नाइट राइड के लिए जा रहे हैं अभी नैनीताल की नाइट राइड, देखना चाहते हैं कि नाइट में कैसा होता है सब चीज़ें। तो क्या बोलते हैं आयुष? हाँ अभी तो आयुष ने बहुत सारा पबजी खेल लिया है इस वक्त, अभी टेम्परेचर हो रहा है 14 degrees। तो आयुष ने ये सारी चीजें एनालाइज कर ली हैं कि टेम्परेचर कितना हो रहा है कितना नहीं। इट्स राइट नाउ किकड़ी जम रही है, बहुत किकड़ी जल रही है। आप देख सकते हो जैकेटें पहन रखी हमने। तो अब आप बताइए किकड़ी गंदी वाली 14 degrees इसकी बता मुझे तो। कुछ खास नहीं है। तो यू नो द नाइट व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द डे फॉर माल रोड। सो वी आर गोइंग टू एट नाइट एंड आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है और मैं आयुष लाल लाल दिख रहे हैं, मजा आ रहा है। इट्स लाइक एक्चुअली और गाड़ियां भी बहुत आ रही है, इन्होंने हमें बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। चलो चलें। तो हमारे पास सेल्फी स्टिक नहीं है, सबसे प्रॉब्लम ये है। हाँ आ जा आ गया। तो थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, कोई आवाज मार रहा है तो बताइए आयुष कुछ। बहुत ठंड है। तो आयुष का सिर्फ ये बोलना है कि बहुत ठंड है। कहाँ पे? आगे चलो यार, आगे कराना माल रोड पे ताकि हम भी मजे करें थोड़ा। हाँ फोग निकल रही है मुझे। तो हाँ यस एग्जैक्टली द फॉग हमारे मुंह से फॉग निकल रही है। और ये देखिए सिगरेट का धुआं हमारे मुंह में गया। नहीं फॉग है। अच्छा अब देखो ये देखो तो अभी अप्रैल का मंथ है और ये देखो आयुष आपको फॉग छोड़ के दिखाएगा मुंह से। वो देखिए ये बोल पहले बाइक के पास जाएंगे और... तो पहले बाइक का प्लान है, अभी तक हमारी बाइक फाइनल नहीं हुई है कौन सी हमें क्या करना है। नहीं बट हमने अभी कुछ फाइनल किया है कि मे बी हम गाड़ी लेके जाएं। वी कुड ड्राइव टू रानी कौसानी और मुनस्यारी।
हम दोनों को अभी मॉल में घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया और हम दोनों जलेबी ढूंढ रहे हैं कि जलेबी कहाँ मिलेंगी, मगर जलेबी नहीं मिल रही है। अभी देखते हैं, बहुत आगे मुझे लगता है चांदनी चौक रेस्टोरेंट था वो, जहाँ पे हमको जलेबी मिलेंगी। क्या बोलता है ईश? तो जलेबी वहीं पे खाएंगे। तो अभी चल रहे हैं, काफ़ी दूर लगता है जाना है हमको। और हमारे एक मेंबर्स शेविंग कराने में लगे हैं पीछे, नवीन जी, तो शेविंग करा के देखते हैं वो कब तक आते हैं आगे। मैं और आयुष घूम रहे हैं, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। वी आर प्लानिंग टू सिट समवेयर ऑन, डू यू वांट टू सिट हियर? ओके, सो नाउ द थिंग इज वी आर सर्चिंग बाइक ऑन रेंट फॉर वी आर गोइंग टू टुमारो ऑन कोसानी और मुनस्यारी। डोंट नो अबाउट दैट बट थिंक द आई थिंक वी विल गो टू मुनस्यारी और कोसानी समवेयर। तो अभी देखते हैं कहाँ मिलती है बाइक, चलिए पहुँचते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सो वी हैव एक्सप्लोर्ड मॉल रोड इन नाइट। तो हमने कर लिया है, ये तो ये आयुष भल्ला देख लीजिए इस वक्त गाना गा रहे हैं। तो आयुष भल्ला भी इस वक्त गाना गा रहे हैं और हम चल रहे हैं। और इट्स नियर, इस वक्त हम मॉल रोड पे हैं और अब ऑलमोस्ट खाली होने लग गया है। तो अब जो है, अब हमें सीधा हमारा फोकस है रूम पे जा करके। अभी मुझे बहुत कुछ काम करना है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को काम कंप्लीट करने हैं फटाफट, क्योंकि कल सुबह का जो प्लान है वो बहुत अल्टीमेट है और हमको निकलना है। तो मेन प्लानिंग वही है कि कैसे, यू नो अबाउट दैट, हमको मुनस्यारी और कोसानी समथिंग लाइक हमको जल्दी से जल्दी कवर अप करना है। तो अभी कल सुबह आके देखेंगे कि बाइक कैसे मिलती है यहाँ पे रेंट पे, और बाइक के लेने के बाद उसके बाद चलते हैं। क्या बोलता है आयुष? तो आयुष बहुत एक्साइटेड है